शहर के मुख्य सड़कों पर मवेशियों के बैठे रहने से आए दिन हो रही दुर्घटनाओं से रोकथाम व गायों में लंपी वायरस से बचाव को लेकर आप पार्टी के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा। शहर के चौक चौराहों व सड़कों पर बेतरतीब बैठे मवेशियों के कारण प्रतिदिन दुर्घटना होने की शिकायत के साथ ही इन दिनों गाय में हो रही लंपी वायरस बीमारी की चर्चा आम है, जिसको देखते हुए गुरुवार को आप पार्टी के पदाधिकारी दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, इस स्थिति से निपटने और आवारा मवेशियों पर लगाम कसने ज्ञापन दिया। गौरतलब है कि इस विषय पर सवाल खड़ा करते हुए आप पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि एक तरफ तो हमारी कांग्रेस सरकार कहती है कि मवेशियों के लिए गौठान बनाया गया है, तो फिर इतने सारे मवेशी सड़कों पर क्यों है। आम आदमी पार्टी जो शहर में मवेशियाँ जो कि रोडों में बैठते हैं, दूसरी बात कि इससे जीवन मतलब जो लोग आना जाना कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इसलिए हम लोग को बहुत सारे लोगों ने इस मुद्दे को बोला कि आप उठाइए इस मुद्दे को, जिससे कि जो समस्या है उसको हम लोग निराकरण कर सकें। इसके लिए हम लोग ने ये ज्ञापन सौंपने यहाँ दुर्ग कलेक्टर में अपना आए हैं। हम चाहते हैं कि उनको या तो मालिक जो गाय को दूध वगैरह निकालने के बाद उसको ऐसे छोड़ देते हैं, उन पर कार्रवाई की जाए, या कांजी हाउस वगैरह बनाया गया है, गौठान बनाया गया, उनको उनमें गाय को छोड़ दिया जाता है, गोबर ले लेते हैं उसके बाद गाय को छोड़ देते हैं, तो हम चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई किया जाए, चाहे जो मालिक हो या गाय को जो रोड में बैठे उसको हटाया जाए, किसी प्रकार से कार्रवाई की जाए। हम लोग अभी देख रहे हैं कि एक हमारी जो सरकार कांग्रेस सरकार तो कहती है कि हम लोग गौठान बनाएं, पर सड़कों में देखा जाए तो आज आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती है मवेशियों के खुले में बैठने के कारण, और उनके ऊपर जो उनके जो मालिक हैं, मवेशियों के जो मालिक हैं, उन पर भी ऐसी कार्रवाई की जाए, उनको जेल भेजा जाए। ऐसा लगता है कि सरकार उनको संरक्षण दे रही है या जितने सरकारी कर्मचारी हैं सिर्फ लिपापोती कर रहे हैं कि पैसा दो छोड़ दो, तो इस पर अगर तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। साथ ही हमारे प्रदेश में भी और हमारे शहर में भी अब लंपिंग बीमारी आ गई है जानवरों में, जो एक बहुत खतरनाक है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी है तो बाहर से चीता ला रहे हैं, पर जिस दम पे हम कहते थे गौ माता है उसको नहीं देखा जा रहा है, और कितने हज़ारों के तादाद में दूसरे प्रदेशों में तो मर ही रहे हैं, हमारे शहरों में भी ये सब देखने को मिल रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।